राजस्थान और एमपी में सीएम कौन बनेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। जब पत्रकारों ने यही सवाल सोनिया गांधी से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान और एमपी में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सीएम पद के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अभी भी मंथन ही चल रहा है। ऐसे में जब यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से पूछा गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उनका जवाब बेहद रोचक था। सोनिया गांधी ने दो टूक लहजे में कहा कि कृपया आप राहुल से पूछें। सोनिया के इस जवाब के मायने ये है कि किस राज्य में कौन सीएम बनेगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निर्भर करता है। वो ही बताएंगे कि इन राज्यों में सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। आपको बता दें कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का जल्द ही ऐलान हो सकता है। जहां राजस्थान में अशोक गहलोत का नाम आगे चल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम। खबरें ये भी है कि राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट अड़े हुए हैं कि उन्हें सीएम के पद से कुछ भी कम नहीं चाहिए। अब इन नामों पर फैसले से पहले ये रस्साकसी होना लाजमी ही है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।